गाइस वेलकम टू माय चैनल प्रिया ब्यूटी पार्लर एंड ब्यूटी टिप्स। गाइस आज हम वाइन का, ये देखिए इसका बॉक्स है छोटा, आज हम वाइन का ब्लीच करेंगे, वाइन ब्लीच। सबसे पहले तो हम क्लाइंट को जहां भी फेस करना है उसको फेस को क्लीन कर दिया है और आप बैंड लगा लेंगे, उसके बाद ही आप ब्लीच लगाएंगे। चलते हैं वीडियो की तरफ। ये देखिए हमने कहा था ना कि क्लाइंट तो नहीं, ये मेरे स्टूडेंट हैं, आप इनसे तो मिल ही चुके होंगे, इन्हीं के फेस पे हम ब्लीच करेंगे। फेस के अकॉर्डिंग ही हम एक्टिवेटर डालेंगे। ये हमने ब्लीच क्रीम निकाल लिया है, ये एक्टिवेटर है, थोड़ा ये लिक्विड में रहता है ऑली बेस पे। बाउल में लेके हमने ब्लीच लिया, ये ब्रश है, इसी को हम मिक्स कर लेंगे। गाइस अगर आप मेरा फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो को सब्सक्राइब जरूर कर लें, लाइक करें, कमेंट करें और मेरे रिलेटिव जान पहचान में आप उस वीडियो को शेयर करें, और जितने मेरे सब्सक्राइबर हैं उनको दिल से धन्यवाद। और मकर संक्रांति एक बार बासी कर दे रहे हैं क्योंकि कल तो हो ही चुका, तो 16 तारीख हो गई है। और जो भी मेरे सब्सक्राइबर हैं वो चाहे अच्छा कमेंट दे चाहे बुरा, दोनों से ही हमें सीख मिलती है। अच्छा होता है तो थोड़ा सा अपने आप वो लगता है, अगर बुरा कमेंट मिलता है तो उससे हम लोग कुछ सीखते ही हैं। जैसे एक सब्सक्राइबर ने कटिंग के लिए बोला, तो जो भी होता है रिस्पॉन्स हम वो रहता है। जैसा कि आप देख रहे हैं हमने बैंड लगा दिया है, वाटर स्प्रे कर लेंगे फेस। एक बार क्लींजिंग मिल से हमने फेस को क्लीन कर लिया था, ये फिर से एक बार हम लोग वाटर स्प्रे कर लेंगे और कॉटन की हेल्प से फेस को क्लीन कर लेंगे। पहले हम अपर लिप के पास ही ब्लीच अप्लाई करेंगे। लिप के पास, अपर लिप के पास हमारी ग्रोथ रहती है बालों की, तो आप सबसे पहले वहीं अप्लाई करेंगे ब्लीच, फिर फोरहेड पे। फिर लास्ट में आप फेस पे करेंगे। कान के पास भी वाइन का ब्लीच बहुत अच्छा ब्लीच होता है, क्रीम बेस पे हो जाता है और बहुत अच्छा उसका रिस्पॉन्स है। नेक पे भी लगा लेंगे। अगर आप ब्रश से नहीं लगा पा रहे तो फिंगर का भी यूज़ करेंगे, अगर बहुत अच्छी प्रैक्टिस है तब तो आप ब्रश का यूज़ करें, नहीं तो फिंगर का ही यूज़ करें, क्योंकि अगर आईब्रो के पास लग जाएगा तो ब्राउन हो जाएंगे, जितने भी आप कह रहे हैं फिंगर का यूज़ करें जहाँ पे बहुत आईब्रो के पास, आँख के पास आप नहीं लगाएंगे क्योंकि आँख हम लोग की बहुत सेंसिटिव होती है, तो उसके आसपास इग्नोर कर देंगे। इसके बाद अगर बहुत क्लाइंट को बहुत स्किन पे जलन होती है तो आप वाटर स्प्रे कर लेंगे, नहीं तो ग्लव जल कॉटन डिप करके आप आँख के ऊपर लगा लेंगे। स्किन के अकॉर्डिंग हम ब्लीच को छोड़ देते हैं फेस पे, तो मिलते हैं 10 मिनट्स के बाद, चेक कर लेंगे एक बार।
हम यहाँ थोड़ा चेक कर लेंगे कि ब्राउन हुए कि नहीं है। अगर हो गए होंगे तो बीन कर लेंगे, नहीं तो फिर धोना छोड़ेंगे। जैसा कि अभी बीन कर दो हमने, दो मिनट बाद हम इसको क्लीन करेंगे। जैसे इनका दो मिनट हो गया है, अब हम फेस को क्लीन करेंगे। जैसे कि आप देख रहे होंगे बहुत अच्छा इनका फेस पे ग्लो आया है। तो गाइस इनका ब्लीच कंप्लीट हो गया, जैसा कि आप देख सकते हैं फेस। अच्छा, इनका टैन भी रिमूव हो गया। हम आफ्टर बिफोर इनके पिक्चर हम सेंड कर देंगे। बाय। जरूर करें हमारी मैम के लिए। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। कमेंट आपका अच्छा चाहे बुरा दोनों ही सिखाता है हम लोगों को। तो बाय गाइस।